हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होंगी। तो इस सीरीज़ में जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, यहां पर एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का इस अगले लेक्चर में, जहां हम तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। तो आइए फटाफट क्वेश्चन करते हैं, आप भी फटाफट शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम करते हैं अगले क्वेश्चन, आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, 6,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ब्याज के क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, कंटेंट में हमने सब चीज़ें बेसिक से पढ़ी हैं, अब यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से हम फटाफट और इनको करते हैं। 6,000 पर है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे करना है हमको, कि हमें एक वर्ष में कुछ ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा और ब्याज का ब्याज मिलेगा कितना, 10%। तो अब बताएं इसका 10% कितना होता है, 600। पहले 600 मिलेगा, दूसरी बार 600 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 10% और मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज का ब्याज, ये कितना है, 60। तो टोटल कितना होगा हमारा, 1260। यही आंसर होगा, फटाफट आपने टिक कर दिया है ना। आगे बढ़ते हैं, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसको 500 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। तो 900 में जितना लाभ होता है उतनी ही 500 में हानि होती है, यानी क्रय मूल्य कहाँ है, बीच में, दोनों के बीच में है ना, यहाँ मध्य में है भाई, जितना यहाँ लाभ उतनी यहाँ हानि, यानी ये चीज़ कहाँ पर है, मध्य में है, बीच में। और बीच की वैल्यू कैसे निकलती है, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दें, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1400 बटे 2 यानी 700। ये क्या हो गया हमारा, सीपी, क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है वो, 30% का लाभ चाहिए, तो 700 पर 30% लाभ चाहिए, 30% अधिक में बेचना पड़ेगा। अच्छा, 700 का 10% क्या होता है, 10% होता है 70, तो 30% कितना होगा, 30% होगा 210। ये चीज़ें दिमाग में काम करनी चाहिए है ना, 30% होगा 210, तो इसमें 210 ही हम जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे 910, यही आंसर हो गया, कहाँ है, 4th नंबर पर। चीज़ें समझ में आई, हमने दोनों के मिडिल में जाके क्रय मूल्य निकाल लिया, क्योंकि जितना लाभ उतनी हानि, तो दोनों को जोड़ के बटे 2 और फिर उस पर 30% लाभ निकाल लिया। आगे देखते हैं, 30 और 10% की 2 छूटे के बराबर 1 छूट, जब भी 2 छूट के बराबर 1 छूट के बात आए तो कैसे करना है, एक फॉर्मूला a+b - ab/100, एक फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हैं, जब भी हमारी 2 छूटे a% और b% हो तो दोनों का टोटल कितना होगा, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और भी कैसे कर सकते हैं वो भी अभी बताएंगे। तो पहले इससे कर देते हैं, 30 और 10 और -30 × 10/100। अब आप फटाफट कर सकते हैं, ये 2 जीरो कट गई, ये 40 हो गया, 40 में से 3 गए तो 37, यही हो गया हमारा आंसर 2। तो फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, 2 लगातार छूट ए और बी हो तो a+b - ab/100। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि 100 की वस्तु थी तो 30 की छूट हो गई तो कितना रह गया, 70, और 70 में भी 10 की छूट हो गई तो कितना रह गया, 63, क्योंकि 70 का 10% 7 होता है ना, 63। अब देखो कितने की छूट हो गई, तो ये हो गई 37 की छूट, टोटल मूल्य हो गया 63% और छूट हो गई 37% की। आगे आते हैं, एक आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है, यदि फरस का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर हो तो भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। देखते हैं, अब यहाँ हमें बताया क्या जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन, जैसे उसने कहा किसी आयताकार भवन की चौड़ाई, चौड़ाई बताइए ना, तो ये वैल्यू हो गई अंश वाली, उसकी लंबाई की जिससे कंपेरिजन किया है वो हो गई हर की, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो वैल्यू बताई जा रही है वो अंश की वैल्यू, और जिससे तुलना हो रही है वो बटे की यानी हर की वैल्यू। तो चौड़ाई कितनी हो गई, 4 पॉइंट, और लंबाई कितनी हो गई, 5 पॉइंट। लंबाई हो गई 5 पॉइंट और चौड़ाई हो गई हमारी 4 पॉइंट। ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि एक अनुपात है,
तो चार और पांच पॉइंट हो गए क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पांच पॉइंट इंटू चार पॉइंट यानी कि 20 पॉइंट स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 500। तो पॉइंट का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? देखो जीरो से जीरो कट गई और दो से कट गया 25 बार। कितनी बार? 25 बार। तो पॉइंट का स्क्वायर 25 हो गया यानी पॉइंट हो गया हमारे 5 के बराबर। ठीक है, अब जो वैल्यू पूछे वो बता सकते हैं। 4 पंजे 20 और ये 25। ठीक है, एक 20 वैल्यू हो गई, एक 25। अंतर पूछे, अंतर कितना हो गया? 5 का। यही आंसर हो गया। फिर से समझो, लब क्षेत्रफल का है तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही लगाएंगे। अब उसमें यदि पी स्क्वायर होता है तो फिर पी स्क्वायर के जैसे वैल्यू निकालेंगे। परिमाप पूछा होता तो परिमाप का फॉर्मूला लगाते, परिमाप दिया होता था। आगे आते हैं बच्चों, एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और एक निश्चित दूरी 2.5 घंटे में तय करती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली अन्य रेलगाड़ी कितने समय में तय करेगी? अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब हुआ? एक घंटे में 100 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर, और 250 इतने किलोमीटर हो गए। अब ये तय कौन करेगा? 60 वाला, तो उसका समय कितना हो गया? तो उसका समय हो गया दूरी बटे चाल, यानी 250/60। आपने काट दिया, अब इसे नहीं भाग नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन हमारे बड़े आसान दिए हैं, 25/6। फिर से समझेंगे, डायरेक्ट करेंगे, एक घंटे में 100 किलोमीटर तो 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर। ठीक है, और फिर जिससे दूरी तय करानी है उससे भाग दे दिया समय निकालने के लिए। आगे आते हैं, पी और क्यू एक व्यापार में 4:7 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, पी 21 महीने के लिए और उनका लाभ होता है 3:5, तो क्यों कितने महीने लगाए हैं? है ना, क्योंकि महीने आप एम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, बिना माने करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्स नहीं मानना एम मान लो, मेरी तो यही सलाह है आपको, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत कर लेना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया लाभ जो होता है वो कैसे होता है, जो भी रुपए लगाए हैं इनटू टाइम होता है, समय होता है। तो 4 पूंजी लगाई है पी ने, कितने समय के लिए? 4 पूंजी लगाई है पी ने कितने समय के लिए? 21 महीने के लिए। अनुपात और क्यू ने कितनी? 7। कितने महीने के लिए? अभी नहीं पता है, एम लिख लेते हैं। और बराबर आया क्या हमारा? 3:5। अब क्या करेंगे जी? अंदर के अंदर गुणा, बाहर की बाहर गुणा। तो 4×21×5 बराबर 7×m×3। तो 7×3=21, तो 21 पूरा कट गया, तो m बराबर क्या आ गया? 4×5=20। m बराबर आ गया हमारा 20 मंथ, कहाँ है? ऑप्शन एक है। तो 20 महीने उसकी पूंजी लगी। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आसान है, आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। एक और देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं सोचना कि आसान है तो ये नहीं है, तब भी करने हैं प्रैक्टिस, तो तब भी करनी है, क्योंकि जो चीज़ आने वाली है वो करनी ज़रूर है। 16 घंटे पी आर 16 और 24 घंटे में भरते हैं, जबकि एस 48 घंटे में खाली करता है। तो पी है, क्यों है, क्यों कितने समय में भरता है? अच्छा, फिर से इधर लिखते हैं, पी भर रहा है हमारा 16 घंटे में, आर भर रहा है 24 घंटे में, और एस जो है, एस ये खाली कर रहा है कितने समय में? 48 घंटे में, ये खाली याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में लेनी होती है। जो खाली कर रहा है उसकी वैल्यू प्रति घंटे प्रति मिनट वैल्यू माइनस में लेनी है। सभी का एलसीएम कितना हो गया? 48। 16×3=48, 24×2=48, 48×1=48, लेकिन इसका कैसे? माइनस में। क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब वो क्या कह रहा है? यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएँ, तो पी आर और एस तीनों खोल दिए जाएँ, तो 3 इन्हें जोड़ लेते हैं, 3×2=5, और 5 में से गए 4। ठीक है, तो पी प्लस आर प्लस एस की वैल्यू कितनी आई? प्रति मिनट प्रति घंटे 4। इसी 4 से हम इसमें 48 में भाग कर देंगे, 48 में 4 से भाग कर देंगे, तो 12 आंसर आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा, कहाँ है? थर्ड नंबर पर। तो ये चीज़ क्लियर है,
बेहद आसान है। हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, डिटेल में आप और वीडियो देख सकते हैं इनकी, और एक बार समझने के बाद फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, कुछ अच्छी ट्रिकों के साथ और एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ, है ना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। तब तक आप इसी तरह बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच।